और बीजेपी के लोग नेता है सत्य प्रकाश पालिता और सौरभ काटल। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। मुझे इस मामले पर FIR दर्ज चाहिए। ये तस्वीरें हैं कोटा जिले की, जहां CM भजनलाल शर्मा जन सुनवाई करने पहुंचे थे, तभी भीड़ के बीच से एक महिला अपनी फरियाद लेकर सामने आ गई। महिला ने चीख चीख कर मुख्यमंत्री से कहा कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। महिला चीख रही थी, रो रो कर CM साहब को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी। महिला ने तो ये भी बता दिया कि वो कोटा की SP मैडम अमृता दुहन के पास भी अपनी शिकायत लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने भी उनकी बात नहीं सुनी। महिला की बात सुनकर CM हैरान थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ती दिखी। CM इस सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि महिला पुलिस अधिकारी एक महिला की ही फरियाद न सुने। मुख्यमंत्री ने अपने साथ मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला की शिकायत का संज्ञान लिया जाए और उचित कार्रवाई भी करवाई जाए। महिला की एप्लीकेशन लेने के बाद CM आगे बढ़े, लेकिन महिला फरियादी बार बार चीख चीख कर एक ही बात कहती दिखी कि CM साहब, इस मामले पर मुझे FIR दर्ज चाहिए, आपको मेरी शिकायत दर्ज करवानी ही पड़ेगी। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुर्जर की रिपोर्ट।